चैनल पवार ब्रदर्स। तो कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। कैमरामैन थोड़ी पास आ जाओ, हमारी आवाज ना जा पाई दर्शकों के पास। तो दोस्तों आज का व्लॉग हमारा मतलब बहुत डिमांडेड व्लॉग है कि भाई अपना सारा कलेक्शन दिखाओ। कलेक्शन में बात करें सबसे पहले हम अपने ट्रैक्टर कलेक्शन दिखाएंगे आज आपको, और जो बाकी पूरा हमारा जो अजाब है मतलब जो बोलते हैं हमारे पास जो पूरे गाड़ी स्कूटी मोटरसाइकिल बाइक वो हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। अभी पहले ही बता दो ये बात, अगर तुम मेरे वीडियो पे 1000 कमेंट कर दोगे या 500 प्लस कमेंट कर दोगे, 500 का टारगेट रखते हैं, 500 कमेंट कर दोगे कि भाई ट्रैक्टर गाड़ी सारी चीजों का कलेक्शन दिखाओ, तो हम आपको अपना सारा कलेक्शन दिखाएंगे। पूरी मेहनत लगेगी, पूरा एक दिन जाएगा पर प्रॉपर दिखाएंगे आपको, पूरी कंपनी टीम वर्क लगेगा ना। आज हमने हाफ पार्टीशन कर दिया भाई। आज हाफ पार्टीशन क्या गया, आज हम अपने जो ट्रैक्टर है हमारे जितने भी जिससे खेती होती है उनका सारा कलेक्शन बताएंगे आपको, कब ये कब लिया कैसे लिया। मुझे तो अभी थोड़ी लिटिल बिट नॉलेज है, मेरे जो बड़े भाई है इन्हें सारी नॉलेज है, तो सारी भाई सब चीज बता देंगे, सारी ये पूछेंगे बताएंगे क्या रहेगा क्या नहीं। जीतू भाई तो बने रहो व्लॉग में, उम्मीद करता हूँ बढ़िया लगेगा भाई, मजे आ जाएंगे। हम अपने पहले ट्रैक्टर की शुरुआत करते हैं। जीतू भाई कौन से ट्रैक्टर पहले करते हैं? जो भाई अपने दादा वाला ट्रैक्टर है ये। अब तुम सारे भाई ये बोलोगे कि भाई ये ऐसे इसकी केयर क्यों नहीं कर रखी, तो भाई इसका प्रोजेक्ट बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, इसका जो सामान है वो मिल नहीं रहा हमें, इस वजह से हमारी इसकी हालत ऐसी है भाई। तो ये कमेंट मत करना, दिल पे लगेगी बहुत ज्यादा। भाई आप लोगों ने ऐसे पुराना ट्रैक्टर दादा ट्रैक्टर करोगे भाई इसकी क्या हालत कर रखी है तुमने? भाई इसकी हालत इस वजह से होती है कि हमने इसको 2 या 3 साल से यूज में नहीं लिया था, 2-3 ना और ज्यादा ही साल हो गए यूज में ना, यूज में ना ऐसी खड़ा है कि और इसको हमने आज भी अगर इसमें हैंडल मारेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा, ऐसी बड़ी बात नहीं भाई। इसमें मैकेनिकल एक पैसे का फर्क नहीं है, ये बॉडी का फर्क है, क्योंकि भाई बॉडी बाहर खड़ा रहता था ना, इस वजह से थोड़ा सा ऐसी हालत। अगर पब्लिक कमेंट कर देगी तो अभी मॉडिफाइड करवाओगे? बिल्कुल, चलो पब्लिक कमेंट करे या ना करे इसे हम जब भी मॉडिफाई करेंगे, इसे हम तक मॉडिफाई ऐसा मॉडिफाई कराएंगे भाई, उम्मीद करेंगे कि ऐसा ट्रैक्टर भी कंपनी ये कहेगी कि भाई इस ट्रैक्टर को हमको दे दो डेमो के लिए। हां देखना दिखाना, फोटो ये खींचे करेगा, आइसर की एजेंसी पे फोटो लगवा। अच्छा भाई अब यूं बताओ कौन सा मॉडल है, कब लियो? ये 1988 मॉडल है भाई, 1988 है ना, मैकेनिकल कोई प्रॉब्लम नहीं भाई इसमें, बिल्कुल भी हाफ एंडर स्टार्ट है, जो वो आइसर खड़े है ना दोनों, आ जाओ उन दोनों से मतलब इस ट्रैक्टर से ना हमने 70 किलो की जिम्मेदारी करी थी पापा हमारे दादा। अच्छा जो हम पे एक लोटो ट्रैक्टर है, लोटो ट्रैक्टर जब लिया था हमने मार्केट, उस टाइम आई यही आए थे नया नया आया था, इससे पहले हिंदुस्तान आ, ये उस टाइम इसकी कीमत थी शायद 1,20,000-30,000 ऐसा ना, और भी मंदा 80 एक के पेटे में था, 1,00,000 तक पे लगा एक कमान का, चलो भाई इसे और आज भी अगर इसे कबाड़े में बेचेंगे 80 का अब भी हमारा, यू भाई हमारे दादा का ट्रैक्टर है, पहली शुरुआत करी यार, और भी ट्रैक्टर थे पहले दादा के पास, वो सेल हो चुके हैं, ये हमने बचा के रख रहा, ये बचा के रख रहा था भाई। भाई आ जाए है नेक्स्ट पे चलेंगे, हमारा आया था ये वाला आइसर, ये वाला दोनों एक साथ आए थे नहीं, ये बाद में आया था, ये पहला आया था। हाँ। इसकी कहानी बताओ, ये बड़े टाउन लिया था भाई हमारे ने, ये है 2006 मॉडल भाई। तो हम बताएंगे अपने दूसरे ट्रैक्टर के बारे में, तो भाई जी बताओ क्या ये भाई हमारा 2006 बड़े ताऊ लेके आए, हम सबसे बड़े ताऊ चलते बताते, हमारे पापा 7 भाई है भाई बड़ी फैमिली है, अर्जेंट फैमिली भाई। हाँ। साथ ही ट्रैक्टर है भाई, साथ ही ट्रैक्टर है, आज की डेट हमारे पास सात ट्रैक्टर है, साथ ही भाई है, साथ ही भाई। और भाई ये 2006 में लिया था खेती बाड़ी के लिए नॉर्मल यूज में लिया भाई, और फिर उसके बाद हमारा दूसरा ट्रैक्टर आया था ये वाला आइसर, ये भी 2007 मॉडल है, ये हमारा पानी का टैंकर चलता था उस यूज में लिया था भाई, पापा ने लिया था हमारे पानी के टैंकर के यूज के लिए, पानी गांव में पानी का टैंकर सप्लाई होती थी, तो भाई उससे हमारा रेंटल काम था, पैसा आता था उससे। उसके बाद फिर लिया था हमने ये वाला हॉलैंड, सर हॉर्स पावर कितने हैं ये शायद 25 हॉर्स पावर है आइसर है, जो 25 से 30 के बीच में, 25 से 30 के बीच, 25 से 30 आइसर ट्रैक्टर मतलब नॉर्मली हम क्यों लाए नॉर्मली भाई, पहले तो जो वाला ट्रैक्टर था भाई हमारे सब काम होते थे, उससे सारी जिम्मेदारी होती थी, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया पावर बढ़ती गई तो लोग बाग भाई ट्रैक्टर इनको पानी के यूज में लेने लगा, आइसर को जैसे पानी खेतों में भरने के लिए बोरिंग के यूज करने के लिए बोरिंग पे, तो पंखा रास करने के लिए धान की रास करते हैं, जैसे हवा करने पंखा वो चलता है,
मतलब ये ट्रैक्टर तेल बहुत कम पीवा है और पहले टाइम पे तो यही थे भाई, यही ट्रैक्टर आ गए तो उसके बाद ये आने लगे, फिर उसके यूज में छोटे मोटे काम के लिए यूज में ले लगे, डीजल कैपेसिटी कम है। अब ऑलैंड की क्या कहानी है? ये लिया था भाई हमने 2000 5-6 में भट्टे के लिए, 6-2000 हमने जो भट्टा लिया था ईंटों का भट्टा था भाई, राम भट्टा के नाम से। अभी डिस्ट्रॉयर के यामना भी खत्म किया, उस भट्टे को चिमनी उमनी भी डाली उसकी। उस टाइम पे भाई ये ट्रैक्टर नाम ही ट्रैक्टर था, चला ही चला था उस टाइम पे लिया था। हमने 3-4 आए उस टाइम पे, 1-2-3 ट्रैक्टर आए थे एक ही साथ। उस टाइम पावर स्टीयरिंग था, तो ये भी वही टाइम के मॉडल है, ये तो अभी हमने नया लिया है। पावर स्टीयरिंग आती थी पर घर वालों को डर था कि भाई, क्योंकि ड्राइवर लोग चलाएंगे कि बहुत सा वो है कि भाई पावर स्टीयरिंग, मतलब पहले के जो पावर स्टीयरिंग थे कि एकदम हैंडल कर जाएगा तो पर तो ना जाएगा, क्योंकि उस टाइम आया ही आया था पावर स्टीयरिंग, तो उस वजह से थोड़ा सा लोग को डर था। ये 2008 है भाई, इस ट्रैक्टर की बता रहा हूँ, ये बोलते हैं ना कि कर्मा वाला लोग वो करा, जैसे भाई गरीब चल रही आई एम हीरो वाली भी वही सेम सिचुएशन है भाई हमारे साथ इस ट्रैक्टर की। इस ट्रैक्टर को भाई कम से कम इस ट्रैक्टर पे ज्यादा नहीं बोल रहा मैं, 50-60 तो ड्राइवर बन चुके हैं, बोरा भर के पैसा कमाया मौज की सुबह सुबह ये दिन में भाई 5-10 चक्कर सोना पलवल आसपास की ईंट लेके जाता था। 8000 ईंट थोड़ी नहीं हो जाती भाई, एक ईंट में 6-7-8 किलो वजन हो जाता है, 8000 हो गए। और भाई इस ट्रैक्टर की खासियत बताऊं, पहले ना मिट्टी का तेल आता था, अच्छा मिट्टी का तेल चलता था ट्रैक्टर, इंजन खराब ही ना हुई अब तक के रिकॉर्ड मिक्सिंग आई रही तेल में, पहले सब रिफाइन हो गए, अब जो रिफाइन हो गए, पहले मिट्टी का तेल आता था सब इन पे मिलता था, कोटा वोटा होता है जो इन पे मिलता था। भाई मिट्टी चलते चलते आइसर भी चला गया, यू वालों भी हमारा यू वालों चलाया हमने यार, मेरे खुद मेरे सामने खुद भी लेकर आया 2009-8 की बात है, खुद भी लेकर पहले मिट्टी तेल था ट्रैक्टर चला है, अब मिट्टी का तेल मिल दिखने को भी ना मिले यार। और ये ट्रैक्टर भाई आज तक इंजन में चाबी ना लगी इसके में, ना लगी ना भाई आज तक जो बात है इस ट्रैक्टर भाई, भाई की हंसी कुछ गलत कह रही है वो तो भाई बात इंजन की बात है, पंप वो आगे का हेड वेड थोड़ा बहुत चीज वगैरह, तो देखो नॉर्मल है, वो तो देखो पुरानी चीज है तो थोड़ी बहुत कमी, इंजन की बोल रहे हैं इंजन में कमी आ जावे। और भाई इसके वीडियो में पब्लिक ने देखा भी होगा, यू 8 मॉडल है, हां यू से पुराना है, हां ना इसमें पावर स्टीयरिंग, हां इसे खींच के ले जा बताओ। अच्छा जी, और इसकी ये देख भाई इसमें तीसरे टायर है ट्रैक्टर में, कैमरामैन पास आओ, तीसरे टायर है इसमें भाई, ये वाले टायर हैं जो नए डलवाए थे, तीसरे वाले रबड़ चढ़वाए इन टायरों पे, तीसरे जोड़ी, और एक टायर के ट्रैक्टर के कम से कम भाई 30-35 हजार किलोमीटर चलने के बाद घिसते हैं, समझ लो कितना चला हुआ ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर है गाड़ी नहीं है भाई। अब आते भाई इस ट्रैक्टर पे, ये अभी हम एक बार लेंगे बाद में लेंगे भाई, महिंद्रा आया अपना, इसको भाई 2011 में भाई नया ही था, हमने सेकंड हैंड लिया था, पर एजेंसी से नहीं, सेकंड हैंड, ये सारे एजेंसी से लिए थे हमने, आइसर भी, ये वाला आइसर भी और वो पुराना वाला भी, और हॉलैंड भी, ये पुराना लिया था रिलेटिव में थे उनके से लिया था, उनके पास ज़्यादा नहीं चला था, एक साल बड़ी चला था भाई। ये भी बहुत जोर वाला ट्रैक्टर है, इसमें डीजल कैपेसिटी बहुत कम है इसकी, बहुत इसने भी भाई बहुत जिम्मेदारी भरी है, हमारी 50-60 एकड़ की जिम्मेदारी थी, यही कर देते महिंद्रा, तो पुराना प्यार है पुराना महिंद्रा बहुत जोर ट्रैक्टर, अब पर इसमें डेड हो चुका है, इसमें भी 2-3 जोड़ी टायर हमारे पास पड़े हैं, 30 जोड़ी टायर देख रहे हो। उसके बाद आया था हिंदुस्तान हमारा, जो अब लिया है लास्ट भाई हमने, ये तो भाई हमारे फैमिली मेंबर पापा ने लिया था ये सारे को, अब जो हम आए हैं हमारी मार्केट में, हम आए हैं जो उतने हम मार्केट में, हमारे सामने ये आया हिंदुस्तान भाई, यहाँ अक्टूबर में पिछले साल हमने इन दिनों में भाइयों अक्टूबर में इसी टाइम पे हमने पिछले एक साल हो गया मॉडिफाइड करवाया था नीसू भाई के हाथ है, और एक साल में देख लिया ना सिस्टम बांध दिया, नाम हो गया भाई इसका, जो बात है जनरेशन तो चेंज नहीं करेगा भाई, पहले वाले लोग क्या है मतलब स्टॉक चीज से प्यार करे, अब यहाँ तो इसने तो खेती ना करी मुंडे ने, हम पे जीप है या टायर बाहर है देख लो, ट्रैक्टर वाकिफ टायर बाहर है, थार वाकिफ टायर बाहर है, ऐसी है। कैमरामैन पास है, तो यार ट्रैक्टर के बारे में बता दे भाई, मतलब ना ये ट्रैक्टर है कोई जगह होगी जहाँ ना गया, दिल्ली हम दिखा लाया ट्रैक्टर है, दिल्ली गुड़गांव गुड़गांव आस पास सारी पलवल एरिया, मतलब सब जगह हम अपने ट्रैक्टर है दिखा लाए, हर जगह स्कूल कॉलेज हर जगह, भाई के स्कूल में भी गए हम, मॉल वॉल भाई के स्कूल में गए, कैसा लगा भाई? बढ़िया। कौन से स्कूल से आप? डीपीएस मेमोरियल स्कूल से भाई, तो बड़े मजे आए भाई ट्रैक्टर ने, मतलब मैं अपनी पर्सनली बताऊं तो मैं आज तक ट्रैक्टर चलाना ना हो, लेकिन जब तक ट्रैक्टर आया मैंने ट्रैक्टर चलाना सीख लिया शौक में,
हमारे पायलट ही है ये ट्रैक्टर के, ये कार्यकर्ता है। एक भाई स्टंट अब तक इसके साथ ही किया, एक स्टंट मैंने खड़ा कर दिया। अभी करेंगे कोशिश स्टंट के लिए भाई, जॉन डियर बेस्ट होता है जैसे सुना, छोटा ट्रैक्टर जम भी खड़ा, लाइट वेट रहे, लाइट वेट रहे, उसकी बॉडी भाई मजबूत है ये, तो भाई इसके धुरा पूरा टूट कर देंगे हाथ में। तो बताओ ये इसकी एक और खास बात है, युवा हमारा शहरी मुंडा, शहरी मुंडा, ये लोडी मुंडा, एसी बॉय, ये गुड़गांव दिल्ली पसंद है ट्रैक्टर हमारे, खेत गांव का खेत खेत ना पसंद है, अभी खेती भाई इसने करी है, खेती पसंद ही ना आया, पर करवाएंगे हमें, करवाएंगे नहीं पर ऐसी रह जा, तू यार क्या जबरदस्ती करा, तो बात अलग है भाई, बुढ़िया अब क्या, अब देखना धान कटने जाएंगे उसके बाद ऐसा लाल तीतो कर देंगे, अभी तो पेंट भी ना उड़ाओ, पेंट उड़ाए करें भाई। तो फिर और उसके बाद फिर अब लिया रिसेंटली भाई हमने, एक वीक पहले, एक सप्ताह ही हुआ भाई इसको, 36-30 यही सेम मॉडल है, सिर्फ पावर स्टेयरिंग का फर्क है। अरे पावर स्टेयरिंग है अब भाई, एक आप वही बात है, चाचा की बात याद आवा बार बार की, दो आदमी रहे, एक दोनों आदमी ने गैल गाड़ी ली है, एक अपनी गाड़ी है खड़ी राख है जिंदगी भर चमका कर राख है, और एक अपनी गाड़ी हमारे तरह चलावा है, बिकेगो तो 50,000 महंगो बिक जाएगा, सस्तो बिक जाएगा, तो ये दोनों ऐसी एग्जांपल है, दोनों सेम टाइम की ट्रैक्टर है। और भाई कैमरामैन पास आके ट्रैक्टर दिखा दो, देखो भाई ये चला ये ना चला, इसका भी पहले टायर इतने, इसके तीसरे टायर ऐसे होने वाले हैं। अब भाई जैसे हम देखेंगे तो यू वी वाई प्राइस में जाएगा, और यूवी वाई प्राइस थोड़ा 10-20 हज़ार का पेंट ऊपर नीचे पड़ रहा है, अगर हम पेंट करवा देंगे, और मैं कह रहा हूँ जान के मुकाबले में यू तगड़ा भाई, कभी खींचो हम, तो दर्शकों से क्या कहना चाहोगे कि हमें सामान लेके तोड़ना चाहिए या फिर वहां ऐसे रखे पन्नी भी ना उतरी भाई, देखो तोड़ना चाहिए, सेफ्टी रखो अपनी, बढ़िया चीज है सेफ्टी रखो, पर ऐसा भी ना भाई सेफ्टी का फायदा, जब सुख भी स्वाद ही ना ले पाए सौदा को, ट्रैक्टर है जी पे पैसा है, अब तो स्वाद भी ना ले जीवन में, फिर क्या फायदा। कई कई मैंने ऐसे भाई भी देखे जो थार को 4x4 गियर भी ना लगा, गियर भी ना लगा, बहुत है भाई बहुत ऐसे जिन्हें 4x4 गियर, मैंने गांव में भी ऐसे सिंगल ट्रैक्टर को टॉप मॉडल टॉप गियर भी ना लगो, ले बताया हम भाई, जुताई भी साल टॉप में ही हो लोके में, पहले मैं हमारी खुचू है, ये कौन सा मॉडल है, सब्सक्राइब द चैनल खुचू, क्या खा रही है तू, टॉफी मुझे दे दिला, आ आ भाई बच्चे ना मतलब कुछ भी टॉफी वॉफी चॉकलेट नहीं देंगे चाहे कुछ भी, लत खिलाइयो, खवा दे खवा दे, और भाई आ गए आप लोग अभी, तो भाई ये हमारा ट्रैक्टर हो गया, इसके साथ ट्रॉली भी है, हैरो भी है, मतलब जो भी खेती में चीज आ सारी चीज, सारी चीज देखो जिम्मेदारी है, किसानी करते हैं तो भाई सारी चीज देखो, आप पता होगी भी और है भी सारी चीजें, क्योंकि भाई 70-80 किले की भाई अपनी जिम्मेदारी है, ऊपर वाले दादा का नाम है, करते हैं भाई मेहनत, पापा ने बेचने की जगह बढ़ाई है पापा ने भाई, हम भी कहीं दे ही दबा रहे होते, उसके बाद भाई मेरे पापा ने सेल करने की जगह और बढ़ाई है आगे भाई, पीछे नहीं हुए, क्योंकि जमीन बेच दी खत्म कर दिया ऐसा कुछ नहीं, और भाई 10-5 किले एक्स्ट्रा ही हुए, कम नहीं हुए, और हमारी कोशिश भी यही रहेगी भाई 1-2 किलो हम भी बढ़ा रहेगी, ऐसे ही ना कि काई अभी नहीं देती, यू है भाई 2-3 किलो देने पड़ेंगे हम भाई, आपको ये ऊपर ले आएंगे सारी बातों को, मारो गोली और धड़ाधड़ मचा दो कि इनमें से मॉडिफिकेशन कराई जाए, ट्रैक्टर पे कौन से पे कराई जाए, क्या कराई जाए, जिस ट्रैक्टर की सबसे ज्यादा कमेंट आ जाएंगी वही ट्रैक्टर चमाचम बन जाएगा, कती जो बात, अरे एक तो भाई अपना जो पुराना वाला उसको तो देखो हम कराएंगे कराएंगे, और उसके बाद आप लोगों को इन दोनों में से तीनों चारों में से जो सा ठीक लगे आप लोग अपनी राय दो, और गाड़ी घोड़ा की भी वीडियो 500 प्लस अगर कमेंट कर दोगे वीडियो पे, सारी कुछ अपनी जो पूरा घेर है इस पर खड़े करके प्रॉपर कल परसों में जैसे आप वीडियो बनाएंगे ऐसे वीडियो बना देंगे, हाँ नींद आ रही है भाई, नींद आ रही है तो भाई गुड नाइट है, राम राम, जय श्री राम।